वहीं दुर्ग के जेआरडी स्कूल में हुआ शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन। शहर विधायक ने शाला प्रवेश पर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वितरित कर तिलक लगाकर किया अभिनंदन। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम जेआरडी शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग में सोमवार को शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा एवं अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त के मुख्य आतिथ्य एवं धीरज बाकलीवाल महापौर नगर पालिक निगम दुर्ग की अध्यक्षता एवं शाला विकास समिति सदस्य अजय शर्मा एवं दीपक छाबड़ा के विशिष्ट आतिथ्य के द्वारा छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक प्रदान कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर संबोधन करते हुए अरुण वोरा ने कहा कि जेआरडी विद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के छात्र अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय का और दुर्ग शहर का नाम रोशन किए हैं। मुझे यहाँ आने पर अपना छात्र जीवन याद आ रहा है। सन 1972 में मैं भी अपने पिता श्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के साथ इस विद्यालय में प्रवेश लेने आया था। बच्चे स्वामी आत्मानंद के व्यक्तित्व को आदर्श मानकर अपने जीवन में उतारें और एक उद्देश्य लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक अरुण वोरा द्वारा इस विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है और विकास हेतु करोड़ों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। हम सब गरिमा के अनुरूप विद्यालय के हित में कार्य करेंगे। इस अवसर पर प्राचार्य एस संगीता नायर ने कहा कि उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय उन्नत होने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और विद्यालय की ओर से आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर स्वामी आत्मानंद के व्यक्तित्व के अनुरूप विद्यालय के हित में कार्य करेंगे और बेहतर परिणाम देंगे। इस अवसर पर विद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले प्रधान पाठक मनहर लाल साहू का विदाई एवं अभिनंदन किया गया। इस सभा को अजय शर्मा, दीपक छाबड़ा एवं व्याख्याता मंजीत सिंह राजपूत ने संबोधित किया। तो वहीं आभार व्यक्त करते हुए उप प्राचार्य लखन लाल साहू ने कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि अरुण वोरा इस विद्यालय के छात्र रहे हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग शहर के विधायक हैं। इस संबंध में शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व जेआरडी स्कूल के प्राचार्य एस संगीता नायर ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। खुशनुमा माहौल में ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने छठवीं में, सातवीं में, आठवीं में, नवीं क्लास में प्रवेश किया है, उनको हमने खूब बधाई दी है, खूब आशीर्वाद दिया है और कहा है कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम, अपने गुरुजनों का नाम आप अपने कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाओ, प्रदेश का नाम गौरवान्वित करो। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में शिक्षा के विस्तार में जो कार्य कर रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारे बच्चों को उठाने के लिए हमने कहा है। और ये बच्चों के सभी बच्चे प्रतिभावान हैं और सब में आगे बढ़ने की क्षमता है और खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, यही आशीर्वाद आज हमने दिया है। धूमधाम से शाला प्रवेश एआईडी स्कूल बनाया गया। हम लोग यहाँ माननीय विधायक जी के साथ आए और छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं के बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक। उद्देश्य है कि कोरोना काल के चलते बहुत दिनों से बच्चे स्कूलों में शासन की गाइडलाइन के कारण आना जाना कम हो गया था, लेकिन अभी फुल फ्लेज जब स्कूल खुली है, पढ़ाई को बोझ में ना लेके उसको उत्सव के रूप में हम लोग मनाएँ, यही उद्देश्य के साथ बहुत ही उत्साहपूर्वक रूप से यहाँ शाला प्रवेश मनाया गया। दो साल के बाद, कोरोना काल के बाद बच्चे आए हैं तो हर बच्चा एकदम खुश और हमारे बीच में आज हमारे दुर्ग के प्रिय चहेते विधायक जी अरुण वोरा जी और महापौर बाकलीवाल सर और सभी का बहुत अच्छे से आशीर्वाद बच्चों को मिला। बच्चों को मुंह मीठा किया गया और बच्चों को तिलक लगा के उसका अभिवादन। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के संचालन के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है कि अब सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल कारगर सिद्ध हो रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।